गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो है कबीर की साखी के 1 से 5 तक पद पढ़ लिए थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग पद नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के 1 से 5 तक पद छूट गए हों तो यू वीडियो का नंबर पार्ट 1 देखेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 6 पद। भगति भजन हरि नाउ है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार, ठीक है। इसमें कबीरदास जी ने जो ये संसार है उसकी असारता, मतलब संसार जो है ये सारहीन है, और परमात्मा की नित्यता, मतलब जो परमात्मा नियत है, निश्चित है, इसको बताया है और कहा है कि अहंकार को नष्ट करने से ही ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा आती है, ठीक है। भगत माने होता है भक्त, भजन माने होता है याद करना या रमना उसमें, दूजा माने दूसरा, दुख माने दुख, मनसा माने मन से, वाचा माने वचन से, कर्मना कर्म से, कबीर मतलब नाम है, सुमिरन माने जो याद करता है, सार माने तत्व, ठीक है। यहाँ कबीरदास जी कहती है कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति जो है, मतलब भगति भजन, परमात्मा की भक्ति और भजन करना, हरि माने ईश्वर के एक नाव के समान उपयोगी है। कहती है कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख अपार, कहते हैं इसके अतिरिक्त संसार में अन्य चीजें दुख ही दुख है। कहने का अर्थ है कि ईश्वर की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इस भक्त रूपी नाव से, मतलब जो ये भक्ति रूपी नाव है, इससे सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। कवि कहना चाहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो भक्ति रूपी नाव है, कहने का अर्थ है कि जो ईश्वर की भक्ति आराधना है, इससे संसार के दुखों का त्याग किया जा सकता है। इसलिए मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है। ये 6 नंबर पद की व्याख्या कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर। कबीरा चित्त चमक किया, चहु दिस लगी आए लाई, हरि सुमिरन हाथु घड़ा बेगे लेहु बुझाई, ठीक है। इसमें कबीरदास जी ने जो है बताया है कि विषय मतलब वासना, इच्छाएं, कहते हैं कि सभी तरफ वासना रूपी जो है वो अग्नि लगी है, जो कि ईश्वर के नाम स्मरण से या ईश्वर की भक्ति से शांत हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है वो संसार में जो अनुचित चीजें हैं, जो भौतिक संसाधन है, उनके पीछे भागता रहता है और ईश्वर को भूल जाता है। कबीरा चित्त चमकिया, चित्त चमकिया माने होता है मन में ज्ञान की ज्योति जग जाना, ठीक है। लाई माने होता है अग्नि, बेगे माने शीघ्र, ठीक है। फिर कबीर का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। चहुदी सी लगी लाए, कहते हैं कि इस संसार में चारों तरफ हमारे आसपास जितनी है ये भौतिक संसाधन जो है, उनकी इच्छा जो है उनको पूरा करने की हमारे हृदय में आग लगी हुई है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य सुख सुविधाओं को बटोरने में ही अपना जीवन बिता देता है। मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, कहते हैं कि या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। हरि सुमिरन हाथों घड़ा,
अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे चित्त, तेरे हाथ में, मतलब तुम्हारे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। ठीक है, कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथों द्वारा ईश्वर सुमिरन रूपी घड़ा है। कहते हैं कि ईश्वर को भक्ति करने का जो तुम्हारे पास हुनर है, बेगे लेहु बुझाए, कहते हैं जल्द से जल्द, बेगे माने शीघ्र ही, उस आग को अपनी ईश्वर रूपी जो जल है, स्मरण रूपी जल है, उससे अपनी वासनाओं का अंत कर दो। कहने का अर्थ है कि जो ये जल है, स्मरण रूपी ईश्वर की भक्ति जल है, उससे तुम अपनी ही वासनाओं को शीघ्र रूप से उसकी अग्नि को बुझा दो। कहने का अर्थ है कि ईश्वर के नाम स्मरण से मनुष्य जो है इन वासनाओं के सांसारिक बंधनों से छूट सकता है। ये 7 नंबर की व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब 8 नंबर है व्याख्या का, देखिए। अनसणिया छाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जिभिया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अनसणिया माने होता है जो आंखें हैं, ठीक है, निहारी माने देखकर, जिभिया माने जिह्वा में, छाला मतलब दाने जो पड़ जाते, पंथ माने रास्ता, राम पुकारी पुकारी मतलब राम का पुकार पुकार कर। इसमें दोहे में कवि ने विरह से व्याकुल ईश्वर का दुख व्यक्त किया। कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो बहुत दुख है, कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया। हमारे शरीर में जीवात्मा होती है, मतलब जीव मनुष्य हो गया और उसके शरीर में जो आत्मा निवास कर रही है, दोनों को मिलाकर जीवात्मा बनी है। बार बार इस लेसन में जीवात्मा परमात्मा शब्द आया है, क्योंकि कबीर जो है निर्गुण शाखा के कवि हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने जो भी बातें कही हैं वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कही है। ठीक है, इनके लिए संसार जो है वो निरर्थक है। इसकी व्याख्या देखिए फिर से, जीवात्मा जो है, जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये बहुत दुखी है। कहते हैं कि अनसणिया छाई पड़ी, कबीर का कथन है कि जीवात्मा जो है वो बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। ठीक है, पंथ निहारी निहार, कहते हैं कि परमात्मा की प्रतीक्षा में जीवात्मा जो है वो अपनी आंखें बिछाए हुए। कहने का अर्थ है कि जीवात्मा जो है परमात्मा के दर्शनों के लिए व्याकुल है। पंथ निहारिया है, कहते हैं कि रास्ता देखते देखते उसकी आंखों में जो है झाइयां पड़ गई। कहते हैं कि वो इतना अपने ईश्वर का इंतजार करती है जीवात्मा कि उसकी राह कर देखते देखते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जिभिया छाला बढ़िया, और जीवात्मा जो है वो परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है। कहने का अर्थ है वो राम 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 का नाम रटते रटते उसकी जिह्वा में जो है वो छाले भी पड़ गए हैं, परंतु फिर भी उसे परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी का कहना है कि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और राह देखना हमेशा व्यर्थ ही साबित होना है। कहने का अर्थ है कि जब हम मनुष्य का जो, जब हम ईश्वर का स्मरण जो है वो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे कर्मों से, अपने अच्छे कामों को करते हुए ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, तो ईश्वर मनुष्य की पुकार अवश्य सुनता है। अगर हम कहते रहे कि हम 108 माला जप लें, नए नए भोग भगवान को चढ़ा दें, उससे भगवान खुश हो जाएंगे, तो वही कबीर ने कहा है कि ये सब हमारी व्यर्थ की चीजें होती हैं। ठीक है, ये था आपका पद नंबर 8। अब हम नेक्स्ट पद देखेंगे, पद नंबर 9। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। इसमें कबीरदास जी ने
संसार के सुख को, जो सांसारिक सुख है जिसको मनुष्य पाने के लिए दिन रात नई नई योजनाएं बनाता रहता है, उसके बारे में बताया है कि ये संसार जो है सुख का एक दिखावा है, केवल झूठे सुख को सुख कहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य, मतलब जिसे गुरु का ज्ञान नहीं मिला है, वो सांसारिक सुखों को ही, मतलब अपने घर में भौतिक संसाधन इकट्ठा करना, फ्रिज कूलर ये सब चीजें इकट्ठा करना, ये सब सांसारिक सुख हैं। कहते हैं कि मनुष्य जो है जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वो सांसारिक सुखों को मिथ्या और समझ लेता है, सांसारिक सुखों को मिथ्या समझ लेता है और मनमोद और मन में खुशी का अनुभव करता है। मोद माने होता है प्रसन्नता। कहते हैं कि सांसारिक सुख को ही समझ लेता है, मतलब यही हमारा सबसे बड़ा सुख है, झूठे सुख को ही सुख मान लेता है और उसी में प्रसन्न रहता है, लेकिन यही सुख जो है उसके दुख का कारण है। जो सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न रहते हैं। जगत चबेना काल का, जगत माने होता है संसार, चबेना माने चना, काल माने समय। कहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये सारा संसार जो है काल के चबेने, मतलब चने के समान है। कहने का अर्थ है काल रूपी जो भार है उसमें चनों को डाल दिया जाता है। कहते हैं कि जब काल आता है, मनुष्य का जब समय नजदीक आता है, तो वो उसी में चला जाता है, काल के मुख में समा जाता है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है झूठे सुख को, मतलब भौतिक संसाधनों को ही सुख मान लेता है और उसी में प्रसन्न रहने का प्रयास करता है, अर्थात उसके मन को उन्हीं भौतिक संसाधनों में खुशी का अनुभव होता है, लेकिन यही उसके दुख का कारण है। कहते हैं कि इस संसार में काल रूपी जो समय है उसमें कुछ चने जो हैं उसके मुख में हैं और कुछ उसकी गोद में समा गया है। कहने का अर्थ है कि जिनके कुछ जो जिन मनुष्यों को दुख होता है, वो लोग दुख में काल के साथ चले जाते हैं और कुछ उस समय के साथ, मतलब अपने जीवन की समाप्ति के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ये पद नंबर 9 था। अब हम नेक्स्ट पद देखेंगे, पद नंबर 10। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के साक्षात्कार से मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार को ईश्वर के दर्शन के लिए उचित नहीं बताया गया। कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में अहंकार होता है, वो कभी भी ईश्वर के साक्षात दर्शन नहीं कर सकता है। जब मैं था, मैं माने अहंकार, ठीक है, अब हरि है मैं नहीं, मतलब जब ईश्वर है तब मेरा अहंकार नष्ट हो गया, सब अंधियारा मिट गया। कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन से मेरे जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो गया है। जब दीपक देखिया माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। कहने का अर्थ है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक या गुरु के दीपक का प्रकाश मिलता है, तो मनुष्य के जीवन में जितने भी भ्रम है, अंधकार है, जो भी अशिक्षा है, अज्ञानता है, ये सभी अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वो गुरु रूपी दीपक के, ज्ञान रूपी प्रकाश के मिलने से नष्ट
हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि अहंकार जब तक होता है तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, और जब ईश्वर के दर्शन होते हैं तो अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं रहता है, और जब ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो उसके जीवन का संपूर्ण अंधकार, अज्ञानता जो है वो दीपक रूपी, ज्ञान रूपी प्रकाश में नष्ट हो जाती है। ये आपका जो पद नंबर 10 है ये कंप्लीट हो गया है। अब जो हम नेक्स्ट पद हैं 11 से लेकर 15 तक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके 6 से लेकर 10 तक थे, और ये कबीरदास इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। सभी अच्छे से अपने बोर्ड ऑफ सिलेबस 9th के लिए इसको तैयार करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।